अग्रपतन यह बीमारी को लेके काफ़ी लोग मेरे पास में आते रहते हैं और उनको सेक्स लाइफ में समाधान नहीं मिलता, बहुत बेचैन रहते हैं और उनको बार बार डाउट आता है कि उनका शीघ्रपतन हो रहा है तो उनकी पत्नी और कहीं कुछ संपर्क करेंगी, संबंध रखेंगी क्या। तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पति और पत्नी दोनों को भी समाधान नहीं मिलता है, ऐसा जब होता है कोई भी सेक्स या कोई भी परफॉर्मेंस में दोनों को समाधान नहीं मिलता या एक को भी समाधान नहीं मिलता और उसके पहले ही वीर्य का पतन हो जाता है तो उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। मतलब एक तो पुरुष को नहीं मिलता या स्त्री को नहीं मिलता समाधान, और तब तक संभोग की क्रिया चालू रखना वो असंभव होता है। मतलब संभोग की क्रिया चालू नहीं रख सकता व्यक्ति, और समाधान जब नहीं होता तो उसको बोलते हैं शीघ्र पतन। इसका मतलब यह है कि वीर्य का फॉल होना, नीचे गिरना, यह रोक नहीं पाते जल्दी और जल्दी ही उसका शिकार हो जाते हैं। मतलब जल्दी पतन हो जाते हैं और फिर उससे प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाते हैं। तो ये तो एक तो लोग शादी के पहले भी आते हैं जिनके कोई संबंध है पहले से, या शादी के पहले लोग इसलिए आते हैं कि हस्तमैथुन करने के समय भी उनको शीघ्र पतन होता है, या फिर शादी के बाद में साल साल, दो दो साल, पाँच पाँच साल शादी के बाद में लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको शीघ्र पतन है और हमें समाधान नहीं मिलता। तो भी इसका कारण हम देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है। एक तो क्या है कि शीघ्र पतन की एक तो आदत जैसी हो जाती है, शादी के पहले, शादी के बाद में, कभी भी यदि जल्दी में ये सेक्स की क्रिया कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में हो रही है, टेंशन है, कोई आएगा, कोई पकड़ लेगा, ऐसे इसमें कभी सेक्स किया हुआ है, कहीं मतलब छुप छुप के किया हुआ है, पकड़ जाएंगे, वो एक टेंशन में है, तो क्या होता है कि ब्रेन से नीचे शिश्न में इम्पल्सेस जाते हैं कि जल्दी होना चाहिए ताकि हम जल्दी छूट जाएंगे और बाजू में हो जाएंगे। तो ये चक्कर में एक वो आदत से लग जाती है, ऐसा बार बार करने से आदत सी लग जाती है और वो शीघ्र पतन हो जाता है। उसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी हो रहा है। और फिर उसमें पति को भी समाधान नहीं मिलता, पत्नी भी असमाधानी हो जाती है, उसको भी चाहत रहती है कि नहीं और यह कुछ समय तक एक्टिविटी चलनी चाहिए, और फिर दोनों भी असमाधानी होते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो समाधान नहीं है और फिर पति को शंका आती है, शक आता है कि भाई पत्नी मेरे से यदि समाधानी नहीं होती है, संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो बाहरी और कहीं संपर्क करती होंगी, उसके बाहर कोई संबंध आते होंगे, और वो शक करना चालू कर देता है, फिर झगड़े हो जाते। अब ये जो शीघ्र पतन है कि दोनों को समाधान नहीं मिलता या एक को भी समाधान नहीं मिलता, उसके लिए एक तो मेडिसिन है, मेडिसिन के जरिए इसको इसका रोकथाम हो सकता है। अलग अलग तरह की मेडिसिन है, लाइक डेपॉक्सिटिन, फ्लॉक्सिटिन, ऐसी काफ़ी मेडिसिन है कि जिससे जिसके जरिए इसका रोकथाम होगा। सबसे ज़्यादा अच्छा जो इलाज है वो है काउंसलिंग का, जिसमें हम पति पत्नी दोनों को भी बुलाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनका मानसोपचार करते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं उनकी, उनको अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं सेक्स के, जिसके जरिए उनका प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन होगा नहीं। और वो यदि हम सिखाते हैं तो उनसे काफ़ी लोगों को फायदा हो जाता है और लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट के बाद में सबसे तनाव देने वाली कोई बीमारी हो या कोई चीज़ हो अपने में, तो एक तो हार्ट अटैक आ गया बोलो तो आदमी एकदम ये हो जाता, और दूसरा सेक्स में नहीं कर सकता बराबर, इससे भी उसको बहुत बड़ी चोट पहुँचती है मन को कि मैं सेक्स के काबिल नहीं हूँ या मेरा सेक्स बराबर नहीं हो रहा। तो सेक्स बहुत ही ज़रूरी है और इसमें संतुष्ट होना भी ज़रूरी है। तो यह आप करेंगे कि भाई दवाई है, मेडिसिन से, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, ये हम करते हैं तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की बीमारी अच्छी हो सकती है और पति पत्नी अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, ताकि लोग अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सके। काफ़ी सारे विवाह टूटने में क्योंकि उनका सेक्स लाइफ बराबर नहीं चल रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि लाइफ, सेक्स लाइफ लोगों का अच्छा चलेगा
तो लोग अच्छे संबंध एक दूसरे में, अच्छे एक मैरिज, अच्छे मैरिज लाइफ लोगों की होंगी, मैरिड लाइफ अच्छी होंगी और लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूर ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑनलाइन भी हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।